तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओट्स और जो दलिया होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा कम है। तो ये सारी जो भी कन्फ्यूजन हो रही है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली चीज़ जो कि है ओट्स और दलिया की, तो मैं बताऊंगा कैलोरीफिक वैल्यू जो कि रहता है। तो दोनों में ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। ओट्स में भी जितना आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है सेम वही दलिया में मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी सेम ही रहता है दोनों चीज़ों में। सेकेंड चीज़ है कॉस्ट की, कॉस्ट कौन सी ज़्यादा सही रहती है और किसकी कम रहती है, किसकी ज़्यादा रहती है। तो जो ओट्स की जो कॉस्ट रहती है वो स्लाइटली थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, 100 से 150 रुपये केजीज के हिसाब से ओट्स मिलता है। वहीं अगर आप दलिया की बात करें तो वो 100 रुपये के अंदर आ जाता है 1 किलो का दलिया। बट बात यहाँ पे आ जाती है कि लोग ओट्स को आजकल क्यों बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वही दलिया को भूलते जा रहे हैं, इन सेंस कि कम यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो जो कि हम पे, हमको भी पता है कि हम पे फॉरेन जो भी बाहरी वेस्टर्न इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और वेस्टर्न जो भी बोलते हैं हम उसे आँख बंद करके मान लेते हैं। बट हम ये नहीं समझते कि क्या सही चीज़ है हमारे लिए, क्या गलत चीज़ है। अगर हम देखें ओट्स का प्रचलन जो आया है वो बाहर से ही आया है। ठीक है, पहले इंडिया में इतनी ज़्यादा ओट्स की जो कंजम्पशन थी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बट ये क्यों हो रहा है। तो फॉरेन में जो भी मतलब बाहर के कंट्रीज है वहाँ पे ओट्स को ज़्यादा खाया जा रहा है। और जो ग्लूटेन फ्री डाइट, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि ग्लूटेन फ्री डाइट, जिससे बहुत लोगों को एलर्जीज हो रही है एंड ऑल, तो वो लोग कंज्यूम करना बंद कर दे रहे हैं। और दलिया ग्लूटेन इंक्लूडेड रहता है उसमें, दलिया में ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन होता है ग्लूटेन, जो कि आपकी इलास्टिसिटी, आपने अभी कभी देखा होगा अगर जो हम आटा गूंथते हैं तो उसमें एक इलास्टिसिटी रहता है। अगर आप आटे को ऐसे मतलब गूंथ के फिर ऐसे करोगे तो वो टूटता नहीं है जल्दी, थोड़ा फैलता जाता है, उस वही होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन की वजह से ही वो इलास्टिसिटी बरकरार रहता है। और हम बचपन से ही रोटी खाते आए, और हम पे हमारे इंडियंस के लाइफ पे आटा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम पे कहीं ये नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि जो इंडियंस का जो डाइट है या इंडियंस का जो भी बिल्डअप है बॉडी का, वो ग्लूटेन से उसको कोई हार्म लगता है, क्योंकि हम बचपन से या रोटी तो सबने खाई हुई है। बट आजकल फॉरेन में क्या हो रहा है कि उनको कुछ दिक्कतें हो रही है ग्लूटेन के वजह से, जिसके वजह से उनका खाना नहीं पच रहा है एंड ऑल, तो वो ओट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बात यहीं पे अटक जाती है कि क्या ओट्स खाना सही है या जो दलिया है वो खाना सही है। दोनों मेरे हिसाब से खाना सही है। अगर आपको जल्दी अपना खाना पचाना है तो आप ओट्स खाओ, क्योंकि ओट्स में ग्लूटेन नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ओट्स को जल्दी पचा देता है। वही जो दलिया होता है उसमें ग्लूटेन रहता है, तो उससे थोड़ा बहुत खाना पचने में टाइम लग जाता है। बट अगर कॉस्ट की बात करें तो दलिया स्लाइटली थोड़ा बहुत कम है ओट्स से। तो आपका जो भी बजट, आप जिस बजट में हो और जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप वो इंक्लूड करो। मेरे हिसाब से दोनों सही है। अगर आपको जल्दी वर्कआउट करना है, जैसे मान लो सुबह में आपको वर्कआउट करनी है और आधे घंटे पहले कुछ खाना है, तो ओट्स मैं प्रेफर करूंगा कि खा लो। बट अगर आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद वर्कआउट करनी है और आपको कुछ मील खाना है, देन दलिया वुड बी गुड फॉर यू। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको कुछ भी बताना हो तो मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड वर्क हार्ड।